नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए या ऊपर से नीचे गिराने के लिए। प्राइसिंग मेरे पास स्टार्ट हो जाती है देसी गुड़ैल में 30 रुपए से। जो कलर है वो बहुत ही प्यारा होता है, इसको लोग अपने आउटडोर के लिए लगा सकते हैं, आउटडोर प्लांट है ये एक। फ्रेंड्स वेलकम टू जरा चले, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आपने देखा कि मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले अपने चैनल पे इंडोर प्लांट की वीडियो डाली थी, जिसमें आपको 100 से भी ज़्यादा वैरायटी दिखाई गई थी। स्टार्टिंग सिर्फ 20 रुपीज़ से हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पॉन्स था। आज मैं एक बार फिर से उसी नर्सरी में आपको लेकर आया हूँ। जो नर्सरी का एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यहाँ पर विजिट करके आप प्लांट ले सकते हैं। आज की जो वीडियो हम शूट करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, आउटडोर। जी हाँ दोस्तों, आउटडोर प्लांट्स की आज की वीडियो होने वाली है, और आज की जो वीडियो है उसके अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको दिखाई जाएंगी। एक एक करके सभी के रेट बताए जाएंगे, एक एक करके सभी के प्लांट आपको दिखाए जाएंगे, और जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे हो जाती है सिर्फ 10 रुपए से। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए से प्लांट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसी भी वैरायटी आती है उसके हिसाब से सबके रेट बढ़ते जाएंगे। तो एक एक करके सभी प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करते हैं तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। फर्स्ट हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है, तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो वहां भी जाकर जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मैं डालता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अंशुल जी, बात करें आउटडोर प्लांट्स की, तो आज कहां से स्टार्टिंग हो रही है? मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहले आपका तुलसी का प्लांट। ओके, तुलसी प्लांट सबसे पहले स्टार्ट करने वाला, जो घर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है, जो लोग लगाते हैं उससे ही स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल साइज का जो तुलसी का प्लांट है वो आपको सिर्फ मिल जाएगा 10 रुपए में। 10 रुपए स्टार्ट है, बिल्कुल। इसमें कितनी वैरायटी मिल जाती है? वैरायटी तो मेरे पास काफी वैरायटी तुलसी मिल जाती है, जैसे कपूर तुलसी, लेमन तुलसी और वृंदावन तुलसी और श्यामा श्यामा, ये तो नॉर्मल चलती है अपनी। बट बिल्कुल मेरे पास 10 रुपए से स्टार्ट होती है तुलसी की, वैरायटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस है, जैसे कपूर तुलसी, लेमन तुलसी, ये सारी अवेलेबल हो जाती है। बट अभी हमारे पास थोड़ा सा मौसम की वजह से अभी थोड़ा वैरायटी खत्म हो रही है, बाकी आगे जाके आपको ये वैरायटी सारी मिल जाएंगी। इसमें दिखाने वाला हूँ आपको ये सतावर बेल बोलते हैं इसको। ओके, बाकी जो ये मेन लगाने का वो होता है इसका, लोग इसको बास्केट में लगाते हैं, फॉलिंग के लिए यूज करते हैं इसको लगाने के लिए। ओके, सतावर प्लांट बोलते हैं इसको, सतावर बेल। तो ये आपको सिर्फ मिल जाएगा 15 रुपए में। 15 रुपए में, बिल्कुल ठीक है। तो काफी अच्छी प्राइसिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। आने वाला हूँ आपको ये अपना देसी गुड़ैल। देसी गुड़ैल में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये देखो ये देसी गुड़ैल है। इसमें देसी गुड़ैल में पिंक कलर है, पिंक कलर है देसी गुड़ैल। बाकी मेरे पास कलर आपको सारे मिल जाएंगे देसी गुड़ैल में। और जो इसकी प्राइसिंग की बात करूं मैं, प्राइसिंग मेरे पास स्टार्ट हो जाती है देसी गुड़ैल में 30 रुपए से। 30 रुपए, 30 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, बाकी साइज के हिसाब से अलग अलग प्राइस होते हैं देसी गुड़ैल में। और सारे कलर मिल जाएंगे, कलर आपको सारे मिलेंगे, व्हाइट है, पिंक है, रेड आता है इसमें, तो ये सारे कलर आपको मिल जाएंगे इजिली। स्टार्ट करने वाला हूँ कॉलेज प्लांट। कॉलेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज प्लांट जो है वो एक कलरफुल लीफ वाला प्लांट होता है, इसके डिफरेंट कलर आते हैं, तो कलर वो बहुत अच्छा लगता है, लुक वाइज देखने में बहुत बढ़िया। बाकी जो इसका प्राइस है वो 30 रुपए में आपको मिल जाएगा कॉलेज प्लांट। इसके डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सारे कलर रखे हुए हैं, तो आपको इजीली तरीके से कलर सारे मिल जाएंगे, रेट भी रीजनेबल मिलेंगे आपको। मधुमालती ये क्रीपर प्लांट है, मधुमालती इसको लोग काफी अच्छी बढ़ जाती है, करीब 10-15 फीट की हो जाती है, तो इसको लोग बेल जैसे बेल के लिए यूज करते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए या ऊपर से नीचे गिराने के लिए। ये पूरे घर को एक तरीके से कवर कर देती है, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है मधुमालती बेल पर, ठीक है। तो बाकी जो इसका प्राइस है वो आपको मिलने वाला है 30 रुपए में, मिल जाएगा आराम से। बाकी साइज के अकॉर्डिंग है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 रुपए से स्टार्ट होता है, 40-50। बाकी आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल हाइट के अकॉर्डिंग इसमें प्राइस अलग अलग है। बाकी मैं इसको आपको इसकी हाइब्रिड वैरायटी में आपको आगे दिखाऊंगा, इसकी जो डॉफ में ही होती है, ये बेल बनेगी तब फ्लावर देती है, और जो डॉफ वैरायटी है वो आपकी छोटे में फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगी। तो मैं आपको आगे जाके इसके एक और हाइब्रिड वैरायटी दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट कौन सा अब स्टार्ट करने वाला हूँ? मोगरा प्लांट। ओके, मोगरा प्लांट आप देख रहे हो, इसका जो प्राइस होने वाला है ये 30 रुपए में आपको मिल जाएगा इसी तरीके से। बाकी पौधा भी काफी हेल्दी है और अच्छा फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, 12 महीने वाला, ना कहीं खराब होना है ना कुछ होना है इसमें। तो प्लांट बहुत अच्छा है फ्रेगरेंस के लिए, लोग इसको घर में लगा सकते हैं, इसके फ्लावरिंग की फ्रेगरेंस तो आपको पता ही है कितनी अच्छी रहती है, पुराना प्लांट चला आ रहा है। तो
तो बाकी प्लांट बहुत अच्छा है, 30 रुपए में आपको मिल जाएगा आराम से। मैं दिखाने वाला हूँ आपको अक्लिफा प्लांट। अक्लिफा प्लांट की जो मेन इसके इसमें भी मैं जैसे मैंने कॉलेज के बारे में बताया था आपको, कॉलेज में कलर होता है, इसमें भी कुछ कलर का वो होता है वेरिएटेड कलर, इसको लोग अपने आउटडोर के लिए लगा सकते हैं। आउटडोर प्लांट है ये एक, इसका जो कलर रेडिश कलर भी है मेरे पास और इसका एक ग्रीनिश कलर भी है। ये देखो ये ग्रीनिश कलर रखा हुआ है, वेरिएटेड है, इसमें ये देखो व्हाइट के साथ ग्रीनिश पन भी आ रहा है, धब्बे धब्बे से है। बहुत अच्छा प्लांट है ये, काफी ब्यूटीफुल बिल्कुल, और इसकी हाइट भी काफी अच्छी हो जाती है। बाकी जो इसका प्राइस होने वाला वो 80 रुपए में आपको मिल जाएगा, 80 में मिल जाएगा बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ इसमें पॉट भी है, तो पॉट के साथ ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉट के साथ मिलेगा आपको, 4-5-6 इंची पॉट लगा हुआ है साथ में, ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। हर श्रृंगार प्लांट लेकर आया हूँ, इसको लोग पराजित नाम से भी जानते हैं, पराजित किल प्लांट से भी, इसको हर श्रृंगार भी बोलते हैं। ये प्लांट एक बहुत अच्छा प्लांट है, देखने में आपको नहीं लग रहा होगा ये अच्छा प्लांट है, बट इसकी जिसको वैल्यू पता है वो उसको जरूर लगाता है। एक तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, बाकी इसका जो मेन पर्पस है, इसमें फ्लावर्स वो आते हैं व्हाइटिश और ऑरेंज से कलर के, ऑरेंज से पीछे से इसकी डंडी होती है, व्हाइटिश फ्लावर खिलता है, इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है इसके फ्लावर में। नॉर्मल फ्लावर देना, ये 4-5 फीट की हाइट पे फ्लावर देना स्टार्ट करता है, बाकी और हमेशा प्लांट चलता है। इसके फ्लावर भी अब बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आप सुबह इसको देखोगे तो उसके फ्लावर्स कुछ गिरे मिलते हैं, गिर जाते हैं फिर आ जाते हैं इस पे, तो ऐसा चलता रहता है। बाकी इसके जो फ्लावर्स है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया होती है। इसमें क्या प्राइसिंग है आपकी? बाकी जो इसका प्राइस होने वाला है ये तो आपको मिलेगा 60 रुपए में, बाकी इसका जो छोटा प्लांट है आपको 30-40 तक का मिल जाएगा आराम से। मैं आप जो नेक्स्ट लेकर आया हूँ आपको, जैसा कि मैंने आपको एक मधुमालती बेल दिखाई थी, वो देसी मधुमालती बेल थी, ये जो है ये हाइब्रिड मधुमालती बेल है। इसमें उसमें फर्क ये है, लीफ इसका साइज में फर्क होता है, वैरायटी के हिसाब से इसमें फ्लावरिंग पे भी फर्क पड़ता है। ये आपका बढ़ेगा नहीं ज्यादा, क्रीपर नहीं बनेगी, ड्वार्फ में ही ये पूरी फैल जाएगी और अच्छे फ्लावरिंग करती रहेगी, और बाकी जो देसी वाली वैरायटी जो होती है वो काफी बढ़ जाती है उसके बाद फ्लावरिंग करती है, तो इसमें ये दोनों में ये फर्क होता है। बाकी जो इसका प्राइस है वो मेरे पास, ये तो मेरे पास है 100 रुपए की, बाकी जो इसके छोटा प्लांट मिल जाएगा वो 60 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। मैं आप जो लेकर आया हूँ आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ तिकोमा प्लांट। तिकोमा में आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें कुछ बेल टाइप के बंचेस में फ्लावर खिलते हैं इसमें, तो ये प्लांट हमेशा सॉलिड प्लांट है, हमेशा फूल देने वाला प्लांट है, तो आप भी इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लांट है, बढ़िया। इसमें येलो ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, ये तो इसमें आप कलियाँ भी दिख रही हैं आपको, और बंचेस में फूल देता है, 12 महीने खिलता है इसमें फूल। बाकी जो इसका प्राइस होने वाला है वो 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये जो अब मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको तिकोम प्लांट दिखाया था, बाकी उसी का मैं नेक्स्ट कलर लेकर आया हूँ येलो कलर। ये देख सकते हो आप इसमें कलियाँ आ रही है, येलो कलर है, बाकी बंचेस में इसमें भी सेम फ्लावरिंग खिलते हैं, बस कलर में थोड़ा फर्क है, उसी के जैसे ही बंचेस में फ्लावर खिलते हैं और 12 महीने फ्लावर देता रहता है। बाकी जो इसका जो प्राइस है वो 120 है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है ऑरेंज से। इसमें लेकर आया हूँ आपको एलमेंडा प्लांट। एलमेंडा प्लांट में आप वैरायटी में दिखा रहा हूँ आपको, ये मिनी वैरायटी है, इसमें जो मिनी का मतलब ये है इसके लीफ भी छोटी छोटी पत्ती होती है, उसके फ्लावरिंग भी छोटे फ्लावर में खिलते हैं। इसकी जो वैरायटी जो दूसरी आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लांट बहुत अच्छा है, 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है और फ्लावरिंग भी बहुत करता है। बाकी जो इसका प्राइस है वो 100 रुपए है। इसका अगर आप मेरे पास छोटा प्लांट लेते हो करीब आपको 50-60 रुपए में आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ आपको मिनी वाली, ये गुड़ैल है, मिनी हिबिस्कस इसको बोलते हैं। इसका जो मैं इसमें सबसे खास बात इसकी, सबसे ज्यादा गुड़ैल की वैरायटी में, हिबिस्कस की वैरायटी में सबसे ज्यादा फ्लावर देने वाली वैरायटी है ये। जैसे कि आप देख सकते हो कितने फ्लावर खिले हुए एक एक प्लांट पे, एक एक प्लांट पे करीब 30-40 कलियां भी है प्लस फ्लावर भी खिले हुए हैं इस पे। तो ये जो बाकी सबसे ज्यादा फ्लावर खिलते हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा गुड़ैल में आप यही वैरायटी लो, इसमें फ्लावर ताकि देते रहे आप अपने, जैसे लोग भगवान को बोलते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है फ्लावरिंग के लिए। आप इसको तोड़ो अगले दिन फिर आपको खिले हुए मिलेंगे इसमें फ्लावर। बाकी जो इसका प्राइस है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 80 से 80 रुपए भी है, 100 रुपए भी, साइज के अकॉर्डिंग है। बाकी फ्लावर देख सकते हो किस तरीके से खिले हुए पूरे। ये मैं देख रहा हूँ कि सभी में ना पॉट भी है, तो मिट्टी के पॉट जो है वो साथ में है ना, वो मिट्टी के पॉट बिल्कुल, मिट्टी के पॉट नहीं, मतलब जो प्राइस है उसके हिसाब से मैं आपको एक 80 रुपए का एक 100 रुपए का है, लेकिन विद पॉट आने वाले विद पॉट नहीं, विद पॉट नहीं, एक विदाउट पॉट है वो 80 रुपए में है, पॉट वाला 100 रुपए में। बाकी जो फर्क है वो थोड़ा सा प्लांट का फर्क है, वो थोड़ा हेल्दी है प्लांट, इसलिए वो 100 रुपए का, वो थोड़ा सा छोटा है मतलब हल्का है, तो छोटा साइज का मान सकते हो वो 80 रुपए का, ठीक है। तो फ्रेंड जो विदाउट पॉट है जो थोड़ा सा हल्का भी बता रहे हैं वो 80 रुपए का है, और जो विद पॉट है वो तो उसकी हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा है और उसमें ज्यादा फ्लावर्स आपको दिखेंगे, वो वाला आपको यहाँ पे 100 रुपए में मिलने वाला है। मैं आप नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको 100 रुपए वाली हाइब्रिड मधुमालती दिखाई थी, उसी में मैं ये छोटा प्लांट दिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ आपको मिलेगा 60 रुपए में। ओके, 60 रुपए में आपको हाइब्रिड मधुमालती मिल जाएगी आसानी से। नेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ आपको देसी गुलाब। देसी गुलाब मेरे पास आपको स्टार्टिंग हो जाती है 30 रुपए से, 30 रुपए में आपको रेड कलर देसी गुलाब आराम से
बढ़िया हेल्दी प्लांट मिलेगा। दिखाने वाला हूँ आपको हाइब्रिड कनेर। हाइब्रिड कनेर में आप देख सकते हो ये आपके हाइब्रिड और देसी कनेर में ये होता है, जो हाइब्रिड कनेर होती है वो आपके छोटे प्लांट्स के अंदर फ्लावर देना स्टार्ट कर देती है और बाकी जो देसी कनेर होते हैं वो आप काफी बढ़ेगी तब स्टार्ट करती है, जैसे 4-5 फीट की हाइट में फ्लावरिंग मेन यही होता है लोगों, लेकिन फ्लावरिंग तुरंत चाहिए तो लोग हाइब्रिड प्लांट लगा सकते हैं इजीली तरीके से। बहुत अच्छा प्लांट है ये, देखो कली आ रही है इस पे और ज्यादा प्लांट बड़ा नहीं है ये, और ये आपका पिंक कलर की कनेर है ये आपको सिर्फ मिलने वाला 100 रुपए में। 100 रुपए में और विद पॉट मिल जाएगा। विद पॉट के नेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ आपको ये हाइब्रिड गुड़ैल। हाइब्रिड गुड़ैल में जैसा कि मैंने आपको बताया एक मिनी वाली वैरायटी, अब मैं तो आपको हाइब्रिड में जो बड़े फ्लावर वाली वैरायटी होती है वो मैं दिखाने वाला हूँ। इसमें मेरे पास दोनों वैरायटी मिल जाएंगी आपको, जैसा कि देख सकते हो एक होता है जो गुत्था हुआ फूल खिलता है डबल वाला, एक होता है जो नॉर्मल सिंगल खिलता है लेकिन बड़ा खिलता है, तो आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। बाकी इसका जो प्राइस है वो आपको 80 से 100 के रेट में मिल जाएगा आराम से हाइब्रिड गुड़ैल का। दिखाने वाला हूँ आपको एलमेंडा, जैसे कि एलमेंडा प्लांट दिखाया था मैंने आपको वो जो बताया था उसी की वैरायटी है एलमेंडा। इसमें फ्लावर्स बड़ा खिलेगा, लीफ ये लीफ भी इसकी बड़ी होती है, देख सकते हो आप इसमें फ्लावर बड़ा खिल रहा है और इसके कलर्स मिल जाएंगे मेरे पास, तीनों कलर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो इसका प्राइस है वो 70 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे और भी कलर आपको दिखने को मिलेंगे, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको एलमेंडा यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितने रुपए स्टार्टिंग बताइए? 70 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 70 रुपए से यहाँ पे स्टार्ट है, एज पर हाइट फिर इसकी प्राइसिंग बढ़ती रहती है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मिनी वाली एलमेंडा वैरायटी, जिसमें छोटे येलोश फ्लावर है उसी का जो छोटा प्लांट है ये आपको सिर्फ मिलेगा 60 रुपए में। 60 रुपए में, ताकि मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आप ये ना समझो कि महंगे प्लांट है, तो उस वजह से मैं आपको साइज सारे दिखा देता हूँ, साइज के अकॉर्डिंग रेट होते हैं। मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक्सोरा प्लांट। एक्सोरा प्लांट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आपका है एक्सोरा येलोश कलर वाला, एक्सोरा येलो कलर वाला एक्सोरा है और उसका जो प्राइस होने वाला है वो आपको सिर्फ मिलेगा 50 रुपए में। 50 रुपए में, 50 से 60 रुपए में आपको मिल जाएगा। बाकी जो हाइट के अकॉर्डिंग है एक्सोरा के रेट अलग अलग चेंज होते रहेंगे। बाकी इसमें कलर्स की बात करो, कलर्स मेरे पास सारे हैं, येलोइश कलर है, पिंक कलर मिल जाएगा जैसे आप देख सकते हो येलोइश कलर खिला हुआ है, पिंक कलर भी, व्हाइट कलर भी, सारे कलर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, रेड कलर सारे कलर मिलेंगे आपको। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग प्राइस भी इसमें अलग अलग होंगे आपके। मैं दिखाने वाला हूँ आपको मुसंडा प्लांट, ये वैरायटी आपको बहुत कम मिलेगी। मुसंडा में मेन इसका जो होता है इसके कलर इसमें फ्लावर खिलता है, ये देखो देख सकते हो आप व्हाइटिश कलर का, इसमें ये एक लीफी है एक तरीके की, इसके जो लीफी इसके फ्लावर तरीके से लगता है। इसमें मेरे को कलर मिलते हैं, व्हाइट मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, इसमें और भी कलर्स आते हैं, इसको बोलते हैं मुसंडा प्लांट, मुसंडा। और इसका जो प्राइस होने वाला है वो आपको मिल जाएगा 80 रुपए में मुसंडा प्लांट। इसका जो देखो देख सकते हो आगे व्हाइटिश कलर आ रहा है इसके जो लीफ का है, इसके यही फ्लावर लुक देते हैं इसको अच्छी। इसमें लेकर आया हूँ आपके लिए गार्डेनिया प्लांट। गार्डेनिया एक बहुत अच्छा प्लांट है, इसको लोग फ्रेग्रेंस के लिए लेते हैं। इसमें गार्डेनिया प्लांट में जैसे कि आप कली आ रही है ये देख सकते हैं, इसमें फ्लावर खिलता है कुछ गुलाब टाइप की शेप का फ्लावर खिलता है व्हाइट कलर का, उसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। इसको गंधराज इसलिए बोला जाता है ताकि इसमें गंध इसकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको गंधराज बोला जाता है। बाकी जो इसका प्राइस होने वाला है वो सिर्फ आपको मिलेगा 100 रुपए में। 100 रुपए में बिल्कुल। और हाइट बताएंगे क्या? हाइट इसकी है करीब 1.5 से 2 फुट की हाइट। ओके। और विद पॉट मिलेगा? विद पॉट। दिखाने वाला हूँ आपको एक्सोरा की वैरायटी, जैसा कि मैंने एक्सोरा आपको बताया था पिंक कलर येलो कलर सारे कलर मिलते हैं, ये उसी में मिनी वैरायटी है एक्सोरा में। इसको जो फ्लावर है वो छोटे 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 रेड फ्लावर खिलते हैं इसमें, और इसके पत्ते का साइज भी थोड़ा सा छोटा होता है, छोटा होता है। हाँ जी, तो इस वजह से मतलब एक्सोरा की वैरायटी है भी, तो मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि वैरायटी आपको पता लगे, मेरे पास सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको, मिल जाएगी। हाँ, बाकी जो इसका प्राइस है ये आपको मिलेगा 80 रुपए में। अगर इसका छोटा प्लांट लेते हो मेरे यहाँ से तो आपको 50 रुपए में रेंज में मिल जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए चांदनी का प्लांट। चांदनी में आप देख सकते हो व्हाइट फ्लावर, नॉर्मल एक चांदनी प्लांट वैसे नॉर्मल हर किसी घर पर मिल जाएगा आपको चांदनी प्लांट। चांदनी में बहुत सारी वैरायटीज आती है, तो हिसाब से बड़े फूल वाली, छोटे फूल वाली, ये डॉर्फ चांदनी है, ये ज्यादा बड़ेगी नहीं, नॉर्मल छोटी हाइट में आके बुशीपन देती है चांदनी, बहुत अच्छी है। इसमें व्हाइट फ्लावर खिलते रहते हैं, चलो हमेशा चलने वाला बारहमासी पौधा है ये एक। और ये कितने का आता है? बाकी जो इसका प्राइस है वो मेरे पास स्टार्ट हो जाता है 30 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट होता है इसका। ओके। फ्रूट प्लांट की जो खासियत है वो इसमें कलर बहुत अच्छा होता है इसका कलर, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं इसके, देख सकते हो व्हाइटिश का कलर, पिंकिश का कलर हो रहा है इसका। तो कुछ कलर आजकल जो प्लांट्स में वो कलर्स का थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है, कलर अच्छा तो देखने में जो प्लांट्स की लुक है वो दोगुना बढ़ जाती है, तो ये चीज़ है, तो इसको यही चीज़ है दिखने वाली, कलर्स डिपेंड करता है प्लांट्स का। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा, नागडोन प्लांट बोलते हैं इसको, 12 महीने चलने वाला प्लांट है, इसमें लीफ लीफ रहती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसका जो प्राइस होने वाला वो 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे हर दिन सुबह 10 बजे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है, तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहां भी जल्द से जल्द फॉलो करिए और मुझे और भी टॉपिक्स बताते रहिए वीडियोस के, आपको किसी टाइप की वीडियोस चाहिए, जैसे कि हमने अभी सोचा कि हम और भी टॉपिक यहां पे इस नर्सरी
करके लेके आएंगे, जैसे फ्रूट प्लांट हो गए, वेजिटेबल प्लांट हो गए, फ्लावरिंग प्लांट हो गए। तो आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा, अपनी तरफ से भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।